सही कह रहा है विक्की, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, आज ही नहीं पर अगर उन्हें पहले दिन भी तुम्हारा असली नाम पता चल जाता तो भी वो तुम्हें कुछ नहीं करते, क्योंकि एक ही पल में तुम सब पर अपना जादू चला लेते हो। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सबको इम्प्रेस कर लेते हो, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किया था। विक्की, तुम यहाँ पर मेरे लिए आए थे, तुमने हर वो चीज की जो मुझे पसंद है, मेरा गुस्सा भी सहा। जब तुमने मेरे लिए ये सब नहीं किया था तब भी मैं तुमसे प्यार करती थी और शायद हमेशा मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी, बट मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते विक्की, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी जिंदगी में मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसे तुमने रुलाया है और वही गिल्ट तुम्हें खा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ गिल्ट है विक्की, प्यार नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो मेरी आंखों में देखकर कहो। नहीं करते, पहले भी झूठ कहते थे पर हर बात पर मैं यकीन कर लेती थी, आज भी तुम एक झूठ के सहारे मेरे करीब आ रहे हो। आई डोंट ट्रस्ट यू विक्की, तुम अगर चले गए तो पता नहीं मैं कितने दिनों तक रोऊंगी, पर फिर भी दिल को मना लूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रही भी तो मुझे हमेशा शक रहेगा कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, हमेशा ये डर रहेगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं इस डर में नहीं जी सकती, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जबरदस्ती का प्यार नहीं चाहिए विक्की। हाँ छोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। विक्की प्लीज 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 नहीं, ट्रस्ट मी, प्लीज चले जाओ यहाँ से, मेरा हाथ छोड़ो विक्की, प्लीज प्लीज प्लीज। पहले दिन तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, चोरी करने वाला गलत है या चोरी की चीजें इस्तेमाल करने वाला। अगर तुम चुराना छोड़ दोगे तो लोग गलती करना भी छोड़ देंगे। मेहनत करके कमाने की आदत वो पूंजी होती है जो अपने पास से कभी दूर नहीं जाती, पर गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा वो श्राप होता है जो आखिरी सांस तक तकलीफ ही देता है। पहले दिन ये प्रवचन देता तो तुम सुनते नहीं, पर अब दोस्ती पक्की हो चुकी है इसलिए तुम्हें समझाना मेरा हक है। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? विक्की यहां आया था। या शो शो विल कैच अप इन द इवनिंग। हाय कृष्णा, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, आओ आओ बैठो। एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ? मेरा असली नाम है विक्रम कृष्णा। ओके विक्की,
बोल दिया। विकी बोलने दीजिए अंकल। बेटा सारी गलती मेरी है। निकी ने कहा हम 2 महीने के लिए रिलेशनशिप ट्राई करेंगे। मैं सिर्फ उन 60 दिनों के बारे में सोच रहा था, पर निकी मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में, पर मैं ही ये समझ नहीं पाया। जिस प्यार की उसे तलाश थी वो मैं नहीं दे पाया, इसीलिए वो चली गई। पर मैं उसका प्यार हासिल करने फिर यहां पर आया, पर उसका भरोसा ही गवा बैठा। मैं आज जा रहा हूं। तो चला गया ना वो, अब क्या? निकी हम सब देख सकते हैं कि वो लड़का तुमसे कितना प्यार करता है, पर तुम क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि उसके प्यार में कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ झूठ है। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम थी तो आकर मुझसे बात करता, उसकी फ्रेंड से नहीं। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम पर बोझ हूँ, तो उसने सच क्यों नहीं कहा? तुमने भी तो सबके सामने उससे सवाल पूछे थे जब वो तुम्हारे लिए भला बुरा कह रहा था। तुमने भी तो लंदन में पूरी कॉलोनी के सामने उसे शर्मिंदा किया था। इसमें गलत क्या है? अगर उसने अपने दोस्त के साथ अपने दिल की बात शेयर करके मन हल्का किया, जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ा बहुत झूठ चलता है। बाकी सबको छोड़ो, अपने पापा को ही देख लो। 30 साल हो गए, इन्होंने कभी मेरी बनाई कॉफी नहीं पी, लेकिन कभी नहीं बोला कि मेरे हाथ की कॉफी अच्छी नहीं बनती। सोचा होगा कहीं मुझे इस बात को जानकर पुराना लग जाए। इसका मतलब क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? बेटा झूठ में भी प्यार छुपा होता है, बस तुम्हें उस प्यार को समझने की जरूरत है। निकी ने कहा था टूटी हुई डॉल हो या टूटा हुआ दिल, चाहे लाख कोशिशें कर लो उसे पहले जैसा कोई नहीं बना सकता है। मैंने कोशिश की अंकल, मैंने इसे पहले से भी बेहतर बनाने की कोशिश की, पर निकी का दिल उन क्रैक से उभर कर खूबसूरती देख ही नहीं पाया। उम्मीद है किसी दिन उसे वो खूबसूरती दिखाई देगी। बेटा मैं निकी को समझाती हूँ। आंटी मैं इसी लायक हूँ। आंटी आप तो जानती हैं, मैं ना तो प्यार समझता था ना ही उसका एहसास जानता था, लेकिन जब निकी मुझे छोड़कर गई तब मुझे प्यार का एहसास हुआ। जब उसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, तब दर्द का भी एहसास हुआ। ऐसा दर्द जो शायद सिर्फ मुझे मेरी माँ के गुजरने पर ऐसा दर्द में। मैं रो रहा हूं, ये तो होना ही था। निकी का दिल दुखा के मैं खुश कैसे रह सकता हूं? आपका बहुत दिनों से इस वक्त का इंतजार था ना, कि विकी आएगा तो उसके दांत तोड़ दूंगा। तोड़ दीजिए, कम से कम आपका दर्द तो कम होगा। तुसी ना जाओ,